हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये मेरा सिक्स्थ व्लॉग है एंड पिछले पांच व्लॉग आपने जरूर इंजॉय किए होंगे। एंड इस व्लॉग में गाइस, मैं अपने बिजनेस का सेटअप आपको दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, यही बिजनेस है जहां से हम पैसे कमाते हैं। एंड इससे पहले भी दोस्तों मैं जॉब करता था, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह की जॉब करता था और लाइफ मेरी कितनी स्ट्रगलिंग रही है या एंड स्मूथ रही है, वो सब कुछ दोस्तों आपको इस व्लॉग में मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड दोस्तों, आप मुझे पता है वीडियो में खो जाते हो, है ना, फिर आप लाइक बटन दबाना भूल जाते हो, तो अभी एडवांस में ही लाइक बटन दबा दीजिए। सो गाइस, ये है हमारे शॉप की एंट्रेंस, यहाँ से कस्टमर अंदर आता और देख सकते हैं दोस्तों, सामने हमारे यहाँ पे है काउंटर और एक काउंटर लगा है यहाँ पर। और अगर हमने बिजनेस सेटअप की बात करें, हमारे यहाँ पे कार इंश्योरेंस वगैरह, मनी ट्रांसफर का भी काम है और गूगल पे वगैरह से कैश भी विड्रॉ होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमने यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज का भी काम किया हुआ है। मोबाइल एक्सेसरीज में देख सकते हैं आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दोस्तों अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, कुछ ईयरफोन्स वगैरह, जो भी बेसिक एक्सेसरीज होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, हमने यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेसरीज का भी काम किया हुआ है। बाकी ओवरऑल हमने यहाँ पे सारा कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हमने सामान रखा हुआ है, प्लस स्टेशनरी का भी यहाँ पे हमारे पास सामान सारा मिल जाएगा। प्लस हमने दोस्तों यहाँ पे पीसी भी रखा हुआ है, इसके अलावा प्रिंटर भी रखा हुआ है। ठीक है, प्रिंटर की बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह हो गए, फोटोस्टेट, वो भी यहाँ पे काम करते हैं हम। इसके अलावा लेमिनेशन का भी काम है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, हमने यहाँ पे मल्टीपल वर्क किया हुआ है, जिसमें मल्टीपल वर्क का दोस्तों एक फायदा होता है कि अगर एक कस्टमर तुम्हारे पास सपोज एक पेंसिल भी लेने आ रहा है ना यार, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ देखे, अगर चार्जर या स्पीकर कुछ भी देखे उसको पसंद आएगा तो वो भी ले जा सकता है। यानी कि एक 3 रुपए की यार अगर कोई चीज लेने आ रहा है, हो सकता है आपसे 250-300 की भी और चीज ले जाए देखकर। तो दोस्तों मल्टीपल का ये फायदा होता है। पहले मैं सोच रहा था यार एक मोबाइल एक्सेसरीज का ही काम करूँ, बट उस टाइम मुझे था यार एक चीज पे डिपेंड होना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने मल्टीपल वर्क यहाँ पे चूज किया। ठीक है दोस्तों, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं आप भी ट्राई करके देखें मल्टीपल वर्क, कई कई जगह पे दोस्तों ये काम चल भी जाता है ना, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली जर्नी बताता हूँ। सो गाइस, आपने मेरा बिजनेस सेटअप देख ही लिया होगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा छोटा सा एक बिजनेस सेटअप। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेरी पिछली जर्नी की, तो उससे पहले मैं जॉब किया करता था। जॉब की बात करें दोस्तों, मैंने 4-5 साल पहले जॉब भी किया है। ठीक है, जॉब की बात करें, हमने दोस्तों ब्रॉडबैंड कंपनी में मैंने यहाँ पे जॉब की थी। आप वहाँ पे सैलरी मान सकते हैं कि एक सेल्स की कितनी थी, 8500, उसके बाद बढ़ के मेरी 10,000 रुपये सैलरी, यानी कि दोस्तों जो मेरी लास्ट सैलरी थी ना 10,000 थी उस टाइम। वही सेल्स का काम था यार, सेल्स के लिए आपको पता है क्या कुछ करना पड़ता है और टारगेट भी सिस्टम होता है, होता है यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बट ये है कि यार जब हमने जॉब की ना बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, जब सीखते हैं तभी हमें पता चलता है यार क्या चीज़ है। बट एट दी एंड दोस्तों हमें आया कि यार बिजनेस ही सही रहेगा, क्योंकि यार जॉब के साथ यार गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको पता है कितने कम वेजेस होते हैं। और उस टाइम बात करें यार दोस्तों, उस टाइम तो यार हमारी एजुकेशन भी नहीं थी, पहले यार पढ़ाई को यार कुछ समझा ही नहीं था, छोटे होते भी यार क्या यार 10वीं में चल फेल हो गए, कोई बात नहीं दोबारा रीट्राई किया, घर वालों ने ज़्यादा प्रेशर किया नहीं पढ़ाई के लिए, पढ़ना है पढ़ो। बट जब हमने थोड़ा जॉब करने लगे उसके बाद रियलाइज हो यार सही बात है, पढ़ाई के बिना कोई वैल्यू नहीं है। फिर क्या किया हमने, पढ़े, 10th क्लियर की, प्रॉपरली क्लियर की यार, बढ़ के कि हाँ यार पढ़ना है, उसके प्लस टू प्रॉपर क्लियर की, उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन, फाइनली दोस्तों मास्टर्स भी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, जिसको दोस्तों एक यार पढ़ने का शौक नहीं था दोस्तों, आज मैंने वो मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली। ठीक है दोस्तों, मुझे ये नहीं था कि यार जॉब करना है, बट ठीक है यार नहीं पढ़े थे पहले, उसके बाद एक शौक जागा कि नहीं यार पढ़ना है, तो आज मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, 2 साल हो गए मैंने अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है इन्वेस्टमेंट की बात करें, मैंने उस टाइम में दोस्तों देखा जाए मेरी जेब में सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये थे, उससे आप सोच सकते हैं क्या ही बिजनेस की इन्वेस्टमेंट होगी। तो दोस्तों क्या था, उस टाइम मैंने एक लोन भी लिया दोस्तों, लोन मुद्रा लोन लिया था। ठीक है, मुद्रा लोन की बात करें आप इससे लोगों को पता भी होगा, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मुद्रा लोन बताना दोस्तों मेरा फर्ज है ताकि दोस्तों और जो कोई बिजनेस अपना करना चाहते हैं उनके भी ताकि काम आ सके। मुद्रा लोन दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक लोन दिया जाता है आपके बिजनेस के लिए, या तो दोस्तों आपका पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट आपको एक बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। 50,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी, 2,00,000 भी, वो दोस्तों आपकी जो पिछली कोई इनकम है उस पर डिपेंड करता है, या आपके जो से बिजनेस की कैटेगरी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उस टाइम मिल गया था यार 1,00,000-1,25,000 का लोन मिल गया था, चलो ठीक था यार, जो भी है काम चल गया है ना। अब उसमें लोन की अगर बात करें, उसमें क्या क्या था,
सबसे पहले दोस्तों वो आपकी शॉप देख आएंगे। सबसे पहले आपकी शॉप भी होनी चाहिए कोई, चाहे आपकी रेंटल हो चाहे अपनी हो। दोस्तों ये तो हमारी खुद की है, ठीक है, तो हमें कोई ऐसा फिलहाल रेंट वगैरह कोई सीन नहीं है, तो वो शॉप भी देखना है। फिर उनको बिजनेस सेटअप की बात करें, थोड़ा बहुत सामान था यार, आप सोच सकते हैं कि 30-40 हज़ार का यार कितना की सामान होता है। अब वो देखने हैं, उन्होंने देखा है ठीक है सामान कम है, तुम्हारी लोकेशन भी ठीक है, तो अब उन्होंने दोस्तों वहाँ पे जो मैनेजर थे उनको कन्विंस करा कि हाँ ऐसे ऐसे उनको सेटअप बताना पड़ता है कि हम ऐसे बिजनेस करेंगे, हम इतनी इनकम जनरेट करेंगे और जो ये हमें टाइम टू टाइम पे कर देंगे। तो दोस्तों उनको कन्विंस कर लिया, तो दोस्तों वहाँ पे लोन का अप्रूवल हो गया और दोस्तों 10 से 15 दिन में लोन भी मिल गया। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है, अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है, अगर आप उसमें और ज़्यादा स्टॉक डालना चाहते हैं कुछ भी है, तो आप मुद्रा लोन की तरफ जाइए। दोस्तों अगर आप मुद्रा लोन लेना ही चाहते हैं ना, दोस्तों मेरा एक पिछला चैनल भी है द राइट गैन, दोस्तों वहाँ पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है मुद्रा लोन के रिगार्डिंग, ठीक है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। सो गाइस उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी हेल्प होती है ना, तो दोस्तों ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड अगर मैं अपने उस चैनल की बात करूँ द राइट गैन के, दोस्तों वहाँ पर मेरा एक ही मोटिव है, मैं आप सभी की हेल्प कर सकूँ। एंड दोस्तों वहाँ पर बेसिकली देखा जाए ना, मैं स्कैम के रिगार्डिंग वीडियोज बनाऊँ। दोस्तों आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं, तो दोस्तों मैं स्कैम को रिवील भी करता हूँ प्लस सॉल्यूशन भी आपको उन वीडियोस में बताता हूँ। सो दोस्तों उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा दोस्तों लाइक बटन को जरूर दबा देना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में देखिए बेल आइकन को भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।